खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से है, जहां पर 7 दिवसीय होली मनाने की परंपरा है। बता दें कि 7 दिवसीय होली के पहले दिन सरायकेला पुलिस ने 2 जगहों पर अवैध शराब पकड़ी है। सरायकेला थाना प्रभारी निरीक्षक विनीत सिंह के नेतृत्व में भुखबीर की सूचना पर नगर पंचायत सरायकेला के पटेल चौराहे के पास से 70 अदद अंग्रेजी शराब की बोतल और 12 बियर की केन, 5 अंग्रेजी पाउच एक व्यक्ति के पास से बरामद हुई है। 8 मार्च दिन बुधवार को थाना सरायकेला उप निरीक्षक अमित सिंह फोर्स के साथ होली के त्यौहार पर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, तभी मुखबिर ने सूचना दी कि पटेल चौराहे के पास एक व्यक्ति अंग्रेजी शराब व बियर चोरी से बेच रहा है। तभी उप निरीक्षक अमित सिंह ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर अंग्रेजी शराब की बोतलों को और बियर को अपने कब्जे में करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पर सरायकेला के घुसिया रोड पर भ्रमण के दौरान 31 पौवा देशी शराब के साथ एक व्यक्ति को उप निरीक्षक दिनेश शर्मा ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अवैध शराब बरामद करने वाली टीम में उप निरीक्षक अमित सिंह, हेड कांस्टेबल अखिलेश सिंह, कांस्टेबल रोहित तिवारी, कांस्टेबल कमलेश कुमार, महिला कांस्टेबल आकांक्षा द्विवेदी, महिला कांस्टेबल पूजा पटेल आदि लोग मौजूद रहे।